trees inside of me. In this sense that I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? फ्रॉम उत्तराखंड, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैंने हिना अप्लाई करी है तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से हिवा जो ये हिना मिक्स है वो तैयार करा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक बोल ले लिया है और मैं यूज़ कर रही हूँ नूपुर मेहंदी। मैं मोस्टली यही मेहंदी लगाती हूँ क्योंकि ये है 100% प्योर मेहंदी। तो ये पाउच मैंने ओपन कर लिया है और बोल में शिफ्ट कर लिया है। लोहे की कढ़ाई है आपके पास तो बेस्ट ऑप्शन है, मेरे पास नहीं है। और इसमें डाल रही हूँ मैं पीसीवी मेथी। मैंने मेथी का पाउडर बना दिया था, इसे रोस्ट करा था और उसके बाद पाउडर फॉर्म में इसे मिक्सी में पीस करके बॉक्स में रख लिया था, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में इसकी ज़रूरत होती है और ये गर्म भी होती है और बहुत बेनिफिशियल होती है। और एक पाउच ले रही हूँ मैं नेस्कैफ़े का। आप कोई भी कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। ठंडी का मौसम है तो कॉफ़ी भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे शाइनिंग आती है, सिल्की हेयर होते हैं। और एक अंडा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इन सब का यूज़ करूँगी तो मेहंदी से अच्छी कंडीशनिंग हो जाएगी और ये सब भी अपने आप में बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं हमारे हेयर्स के लिए। और इसके अलावा मैं 1 से 2 चम्मच बादाम के तेल का प्रयोग कर रही हूँ। बादाम का तेल भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है हमारी हेयर के लिए। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और धीरे धीरे जो नॉर्मल पानी होता है उससे मेहंदी का पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जा रही हूँ। मैंने नॉर्मल पानी ही यूज़ किया है और इससे अच्छे से जो हिना का इसमें उसका पेस्ट तैयार कर दूँगी। थोड़ा दरदरापन रहेगा क्योंकि मेथी है, मेथी एकदम मिक्सी है, बिल्कुल मैंने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मतलब उसका जो तैयार नहीं करी है, थोड़ी सी दरदरापन है मेथी में, तो इसलिए थोड़ी मेहंदी जो है उसमें दरदराहट सी है। लेकिन जब ये 3-4 घंटे भीगेगी, 2 से 3 घंटे या 4 घंटे या जितना भिगोना चाहते हैं या रात भर भिगो के रख दें तो ऐसे भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। उसके बाद मैं 1 नींबू का रस इसमें मिला रही हूँ। नींबू बहुत अच्छा होता है, इसके बेनिफिट्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मैंने कुछ समय पहले जब हिना तैयार करी थी तो मैंने आपको दही, नींबू सब चीज़ें डाल करके इनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं उन सब के बारे में जानकारी अच्छे से दे दी थी। तो एक ही बात को बार बार दोहराना ठीक नहीं रहता है, तो इसलिए मैं इस समय इनके बेनिफिट्स के बारे में कुछ भी आपको नहीं बता रही हूँ। उसके बाद 1 से 2 चम्मच आप इसमें दही डाल दीजिए। दही भी बालों के लिए अच्छा होता ही है, शाइनिंग आएगी, अच्छी कंडीशनिंग हो जाती है। तो थोड़ा पतला दही था इसलिए मैंने 4 चम्मच के आसपास इसे डाल दिया है। ठीक होता तो मैं 2 ही चम्मच डालती, घर का जमाया हुआ था तो कभी तो अच्छा जम जाता है और कभी उतना अच्छा नहीं जम पाता है। तो देखिए इन्हें अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और उसके बाद 2 घंटे या 3 घंटे के लिए आप इसे रख दीजिए। और अगर रात से भिगोए हैं तो रात भर में तो इसकी बहुत अच्छी इसमें कलर आ जाता है, तो इसे भिगो करके आप रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने मेहंदी को 3 से 4 घंटे भिगो दिया था और मैं अब इसे अपने बालों में अप्लाई कर रही हूँ। मौसम ठंडा है तो अब मैं मेहंदी जो है कम ही अप्लाई करूँगी, 1-2 बार और कर लूँगी, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है तो थोड़ी मेहंदी मुझे उतनी सूट नहीं करती, लेकिन कंडीशनिंग के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए मैं इसे आजकल जो है हर हफ्ते लगा ही ले रही हूँ। कभी हेयर मास्क बना ले रही हूँ, कभी इस तरीके से इसे अप्लाई कर दे रही हूँ। और तो इसे मैं देखिए मेहंदी लगा रही हूँ, अपने हाथ से ही लगा रही हूँ। पार्लर में लगाओ तो बहुत अच्छे ढंग से रूल्स बना के
लग जाते थोड़े, मेरे जो हेयर हैं छोटे भी हैं, तो इसलिए मैं खाली ऐसे ही जैसे मुझसे अप्लाई करनी आती है मैं अप्लाई कर लेती हूँ। आज हिमाद्री की साइकिल आने वाली है, इसलिए हिमाद्री बहुत एक्साइटेड सी हो रही है। भाई की आ गई थी साइकिल, रनिंग साइकिल ली है हिमाद्री। साइकिल थी इनके पास, ख़राब हो गई है, तो एक साइकिल हमारी चोरी हो गई घर से, रात को पता नहीं कौन निकाल के ले गया, तो घर के लिए नई साइकिल आ गई और हिमाद्री के लिए आज आने वाली है। और आज संडे है, घर के काम में लगी हुई हूँ, फिर मैंने कहा मेहंदी अप्लाई कर दी जाए, कंडीशनिंग ज़रूरी होती है हेयर की, तो बस लगा रही हूँ। कंडीशनिंग भी हो जाएगी, अच्छा कलर भी आ जाएगा, हमारे वाइट हेयर भी छुप जाएंगे, थोड़ी शाइनिंग आ जाएगी। मेथी का प्रयोग करो, दही का, नींबू का प्रयोग करो और चाय पत्ती के पानी का आदि, इन चीज़ों का प्रयोग करो, तो ये हमारे बालों को अच्छी कंडीशनिंग देते हैं और साथ साथ घर की सफाई भी हो जाएगी इस। और मैं लगभग 2 घंटे रखूँगी और उसके बाद अच्छे से वॉश कर लूँगी। जब वॉश कर लूँगी तो दिखाऊँगी आपको कि कैसा कलर आया है इसका। कलर तो अच्छा, छोड़ रही नूपुर मेहंदी मैंने लगाई है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, रात से भिगो तो बहुत अच्छा कलर आता है। तो चलिए मैं पहले पूरे बालों में लगा देती हूँ, फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने जो मेहंदी है अप्लाई कर दी है और थोड़ा सा पॉली लगा दी, थोड़ी सी मुझसे पतली हो गई थी, मैंने कहा टपकेगी, तो मैंने पॉली लगा दी है और बाहर में सफाई वफाई करती हूँ, फिर जब वॉश कर लूँगी फिर दिखाती हूँ कैसे कलरिंग हुई है। इस बार मैंने मेहंदी में मेथी का पाउडर डाला है, मेथी का पाउडर गर्म होता है, आपका नींबू हो गया, दही हो गया, ये सब मिक्स करके मैंने इस बार मेहंदी जो है हिना तैयार की है। तो इन सब के बेनिफिट्स जब मैं वीडियो बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छी मेहंदी लगी है, अच्छा कलर आया है और अच्छा सा भी फील हो रहा है, थोड़ा क्या कहते हैं कंडीशनिंग हो जाती है, तो अच्छे से हेयर हो गए हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार एंड बाय बाय।